अपने किसी कोस्टार का कभी डीएम आया जो पढ़ के आपने कहा ओह माय गॉड व्हाट इज दिस? अच्छे ही आते क्रिकेटर्स करते मैसेजेस क्रिकेटर्स करते हैं जिनको पढ़ के बंदा कहता है ओह माय गॉड व्हाट इज दिस? अब मुझे समझ नहीं आया आपने नहीं स्क्रीनशॉट तो अरे लिया नहीं, 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 नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लिया लेकिन अभी भी होंगे आई डोंट थिंक दे डिलीटेड इट। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे आपका वेरीफाइड ब्लू टिक का अकाउंट आप कैसे रैंडमली किसी लड़की को मैसेजेस करके उसकी तारीफें कर सकते हैं माशाल्लाह यू लुक वेरी ब्यूटीफुल या या चले वो तो तारीफ ही कर रहे हैं ना पता नहीं आई डोंट नो बट आई थिंक दिस इज नॉट हाउ तो आप क्रिकेटर्स को क्या फिर पैगाम दे दे आप दे दे देखिए आप पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तानी है हम सब इकट्ठे हैं ना इकट्ठे पाकिस्तान में हमने एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है तो आप दे दे कोई मैसेज अगर है मैं भी बस इन सब की तरह आप लोगों के लिए दुआ करूं नहीं वो वाला मैसेज भी दे रहा है मैसेज रिलेटेड मुझे बस लगता है कि हम तो चले एक्टर्स हैं हम एंटरटेनर्स हैं आप लोग तो पाकिस्तान को ग्रीन शर्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं आप तो ये ना करें बहुत ही वियर्ड मतलब एक्टर्स को जायज है वो करें अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मशहूर अदाकारा पाकिस्तान की जो मशहूर अदाकारा है नवाल सईद और शोएब मलिक उनके बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवाल सईद जो है वो पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा है और अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें इनकी हुसन की बहुत ही तारीफ़ें चल रही हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये आपको बताती चलूँ कि नवाल सईद ने जो है दो दफ़ा इंटरव्यू में लाइव शो में बयान किया है एक्टर्स के सामने टीवी सब के सामने कि मुझे क्रिकेटर्स बहुत ही फ्लोटी मैसेजेस करते हैं और वो मुझे बहुत तंग करते हैं मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं। इस पर इन्होंने ये तनकीद किया है कि क्रिकेटर्स को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं चाहे एक्टर्स जो है वो लोगों को इंटरटेन करते हैं इसलिए हम अगर ऐसे मैसेजेस कर भी लें तो एक्टर्स की कोई बात नहीं है लेकिन क्रिकेटर्स को ये काम नहीं करना चाहिए। इस पर इन्होंने मैं आपको लाइव शो में भी बता चुकी हूँ दिखा भी चुकी हूँ प्रूफ कि इन्होंने ये बात खुद की है। इसके अलावा जो है नादिया ख़ान ने इनसे एक इंटरव्यू में पूछा जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन में हुआ था कि वो कौन से एक्टर्स हैं जो आपको तंग करते हैं। इस पर इन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बाय नेम नहीं बताना चाहती। फिर नादिया ख़ान ने शोएब मलिक का नाम लिया तो उसके साथ ये हंस पड़ी। तो लोगों का भी ये कहना है कि शोएब मलिक ने भी इनको मैसेजेस किए हैं। तो आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपके ख्याल में क्या है कि शोएब मलिक ने इन्हें मैसेज किया होगा या नहीं और क्रिकेटर्स के बारे में क्या ख्याल है तो ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर